सुबह अभी निकल रहे हैं कल्पा की मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। थोड़ा ये गांव है जो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है। तो गुड इवनिंग गाइस, आज है 29 तारीख एंड अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से कल्पा को एक्सप्लोर करने के, जितना कुछ यहाँ पे है देखते हैं क्या कुछ है। ठीक है भाई, और अपने भाई साहब का मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लोकेशन भी डाल दूंगा। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं, आप बता दीजिए कितना दूर है। 50 मीटर है मेन मार्केट। हाँ, मेन मार्केट जो चौक है, चौक से सिर्फ 50 मीटर होगा ऊपर की साइड में। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे की साइड में, आपको रास्ता भी दिखा दूंगा जहाँ से हम लोग इस लोकेशन पर पहुँच सकते हैं। ये है, ओके। तो कॉन्टैक्ट नंबर तो यहाँ पर आ गया भैया, कॉन्टैक्ट नंबर आप ही का? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर चलो यहाँ पर आ गया, आप यहीं से ले लेना। आपको रास्ता दिखाते हैं, यहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जब ऊपर आओगे ये सीढ़ियाँ ऊपर आती है और ये इस तरफ को जाता है, इधर नहीं जाना, यहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा चीनी बंगलो, ठीक है। चलिए यहाँ से चलते हैं, अभी ये सामने है जो यहाँ का चौक है। और अगर आपको खाना वाना खाना हो तो मार्केट में यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। सुबह मैंने आपको दिखाया था भैया का, यह है कैलाश दर्शन ढाबा। यहाँ से आप अपना लंच डिनर वगैरह वो सब ले रहे हैं, वेज और नॉन वेज दोनों हैं। और ये है जी चौक यहाँ का। पापा सीधा चला इन्हें, ये वाला है चौक, ठीक है। चौक पे जब आप आओगे यहाँ से ये सीधा रास्ता जाता है अपने चीनी बंगलों की तरफ में। तो अभी हम लोग मार्केट की तरफ में जा रहे हैं, देखते हैं कल्पा कैसा विलेज है। 3 या 4 बजे हो क्योंकि फिर दोनों जाएगी, खत्म हो जाएगा ना जल्दी। मेरा व्यू ना ब्लॉक करो। पुराने पुराने घर, पुराने टाइप में जैसे बनते थे ना वैसे घर है यहाँ पे। मार्केट बहुत अच्छी है, मतलब ये गलियाँ बहुत प्यारी लग रही है मुझे, बहुत अच्छी गलियाँ हैं ये देखो। तो मतलब नया बना हुआ नहीं, थोड़ा पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से बनाया इन्होंने, बढ़िया है। और ये आई थिंक यहाँ का मंदिर है। ये अच्छा है, कितना सुंदर है। मैं भी आपकी तरह पहली बार ही देख रहा हूँ मोनेस्ट्री। अभी बंद हो चुका है बिकॉज हम लोग लेट हो चुके हैं, तो अंदर तो जा नहीं पाएंगे, आपको फिलहाल बाहर से ही दिखा देते हैं। ये कोविड की वजह से जल्दी बंद कर देते हैं। आज हवा बहुत तेज चल रही है, कल जब आए थे उस टाइम पे इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन आज देखो उधर उधर ना ऊपर मौसम ख़राब हो रहा है पहाड़ों की तरफ में। वो उस तरफ में है एक पार्वती रेंज है, पार्वती पर्वत शायद उसको कहते हैं। एंड दूसरी तरफ में जो है वो है किन्नर कैलाश, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा, मैंने आपको पहले दिखाया होगा। अच्छा भैया रुको, ये जो लगाए हुए हैं क्या कहते हैं इनको, घुमाने का तो होता है लेकिन क्यों घुमाते हैं? घुमाते मतलब जो दर्शन हो जाए। अच्छा अच्छा, सुरक्षा रहती है इससे, यूं तो वो लग जाए ना ताकि आप राम राम हो जाए। अच्छा, मतलब जैसे हम लोग मंदिर में जाके राम राम करते पूजा करते हैं वैसे ही है। ओके, चलो एक बार हम माता टेकेंगे यहाँ पे। चलो
ओके अभी निकल रहे हैं आगे की तरफ में, और आगे एक और मंदिर बता रहे हैं वहां पे जाके, एक और मंदिर है ना, ओके शिव भगवान का, वहां भी जाके आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मंदिर बंद है। ये है नारायण नागी मंदिर, तो कल्पान है ये, बहुत ही सुंदर है, मतलब शांति है। हमने तो यहाँ पे आकर थोड़ा शोर कर दिया। अभी चलते हैं यहाँ से। नारायण जी, नागन जी, हमारी सेवा करना। सेवा तो क्या करना, मदद करना, कभी फंसे हो तो हम ये भगवान से सेवा करवा रहे हैं। देख लो व्लॉगिंग में भगवान से सेवा करवाता हुआ आदमी, भगवान सेवा करना। चलिए हे प्रभु सुख शांति रखना कल्पा में और हमारे जीवन में भी, थैंक यू। ओके अभी जा रहे हैं, शाम हो रही है, खाना खाने का टाइम हो रहा है, और अभी हम जा रहे हैं वापस, खाना वाना खाएंगे। एक गली और है उस तरफ में चलते, घर देखो कितने पुराने पुराने घर, बहुत बढ़िया वाले। क्या है कि कल्पा सुंदर बहुत है, ये बात मैंने देख लिया, बहुत सुंदर है। मतलब यहाँ पे हमने, हम लोग कल आए, हमने सिर्फ 24 घंटे तक लगाए हैं यहाँ पे, और दिल कर रहा है 4-5-10 दिन यहीं पे रुको, यहीं से काम हो, ठीक है। तो क्या बताऊँ, बहुत सुंदर गांव है, तो भगवान इसको ना थोड़ा ऐसे ही रखना, मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ रखे। लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि प्रकृति से जुड़ा हुआ रखे इसको, तो अच्छा रहता है। हेलो, बिल्कुल पुराने वाले स्टाइल में गांव बना हुआ इधर। तो दोस्तों ये था छोटा सा कल्पा का टूर, अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल अपनी बाइक्स वगैरह को देखते हैं कैसी है, सही सलामत है या नहीं है, 10-12 घंटे से नहीं देखा उसको। अगर आप अभी रिसेंटली कल्पा में विजिट करने का सोच रहे हो तो भाई एक बात का ध्यान रखना, मास्क जरूर लगा के रखना, अदरवाइज यहाँ पे 1,000 रुपये का चालान है। वाह, व्यू अच्छा आता है, देखिए व्यू बहुत प्यारा है वाला। अब ये पर गाड़ी देख के आते हैं ना अपनी बाइक्स वगैरह को। तो दोस्तों ये ना बहुत ही छोटा सा गाँव है, तो अभी आपको जितना दिखाया वो ये लगभग थोड़ा बहुत होगा इधर उधर। तो देख सकते हो मेरे पीछे ना पुलिस स्टेशन है ये, तो अगर कोई भी हरकत करनी हो तो सोच लेना, देखो इतना छोटा गांव है, 5 मिनट में पुलिस वाले पहुंच जाएंगे आपके पास। नाइटस्केप ऑन किया, अभी चल रहे हैं फिलहाल अपनी बाइक को देखने के लिए, दिखाते हैं आपको। ओके वहां खड़ी है हमारी गाड़ियां बाइक, ये देखिए जहाँ पे बाइक मैंने खड़ी करी थी ना हम दोनों ने, वहीं पे खड़ी है, किसी ने नहीं छेड़ा। इतने मतलब अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए गए सुबह के, यहाँ पे काम भी चल रहा था, उन लोगों ने इधर से उधर तक नहीं करी। सामने आप रेंज देखो ऊपर, नीचे अंधेरा हो चुका है लेकिन ऊपर पहाड़ों में अभी तक बिल्कुल बढ़िया वाली वाइट वाइट स्नो दिखाई दे रही है। फिलहाल निकल रहे हैं, खाना खाएंगे, डिनर करते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाके, चलिए आ गए। हेलो, ये हमारे पड़ोसी हैं, इनका रूम हमारे बगल में है। कहाँ से हैं आप लोग? चंडीगढ़। ओके, आप चंडीगढ़ से? दो हम लोग बठिंडा से। ओके, बठिंडा के पास में डब वाली शहर है, डब वाली से मेरा फ्रेंड है कैलाश भैया। कैसे हैं सर? और दिन को का गायब ही हो गए। हाँ, ये कैलाश भैया, सुबह भी आपको दिखाया था, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आई बटन आ जाना। पर दुख
होटल का नाम है कैलाश दर्शन टावर। हाँ है होटल का, अभी आपको लोकेशन दिखा दिया ना मैंने भैया की, लोकेशन बता दी मैंने कि चौक से कैसे जाना है। ठीक है, और क्या खिला रहे हो अभी आपको? इधर से लाइट आ रही है। हाँ यहाँ से अभी आपको खिलाएंगे हम चावल, राजमा, कड़ी और घिया चना। घिया चना चलो ठीक है ले आओ। ओके ले लो टाइम, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बना के लाना बस। ठीक है ओके। वैसे तो भैया का नाम राज है लेकिन हम कैलाश भी बोलेंगे। अभी खाना आएगा तो वो दिखाएंगे भैया, बहुत अल्टीमेट खाना बनाते हैं। सुबह इन्होंने ब्रेकफास्ट करवाया बहुत ही बढ़िया, चावल और ये सब खाना आ चुका है अपना इधर। ओके ये लौकी चना और ये दाल, ये सारी है उतरा जा रहा है। ये है कड़ी, बस खाना खाना स्टार्ट करेंगे। और क्या होता है, ठीक है खा रहे हैं हम लोग। बाकी सब बढ़िया, बाकी सब बढ़िया, बाकी सब बढ़िया है, बाकी सब बढ़िया। ये ना सबसे अच्छी बात पता क्या होती है, अगर आप खुश होकर खाना खाते हो ना वो लगता है खाना। बोलते हुए खाना खाओगे तो लगेगा खुश होके खाना खाते हो। अगर आप देखो खाना खाने के टाइम में बंदे का मूड अच्छा होना चाहिए, हमारा मूड बहुत बढ़िया है। फिलहाल अभी डिनर कर लिया हमने एंड बहुत अच्छा डिनर था, सीरियसली मजा आ गया। अभी थैंक यू, डिनर बहुत अच्छा था। अच्छा थैंक यू, अच्छा है तब आना सुबह। ये सुबह आएंगे, सुबह मिलते हैं। ठीक है मोमोस, ये देखो मोमोस। मेरे को ना मटन नहीं खाते, नहीं मटन तो नहीं खाता मैं, लेकिन मोमोज मेरे को बहुत पसंद है। मैंने क्यों नहीं बोला, मैंने आपको वेज मोमोज बनाना था। अच्छा ओके, तो अल्टीमेट खाना मजा आएगा, पेट भर के भाई फुल खाया मैंने, बहुत बढ़िया। अभी बस अभी मुझे रचित भाई मिले हैं, उनके साथ एक बार उनका रूम देखना है, आफ्टर दैट मैं अपने रूम में जाके आराम करूँगा भाई, बॉडी ना पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है आज।